मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक जो कि हम शुरू कर चुके हैं। और इससे पहले एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस की आपको आपकी संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। कहने का मतलब है कि संडे को ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। सो कम टू द टॉपिक, हम टॉपिक पर आते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है 10th और 12th क्लास के लिए, वो आप लोग डेली उसको देखा कीजिए और पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। अब देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। कल तक हम लोगों ने देखे थे सिंपल सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, उनके रूल, उनका स्ट्रक्चर और कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेबल, एक टेंस टेबल और असर्टिव और सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यस्टरडे वी ऑल्सो रीड, यस्टरडे यानी कि कल भी हमने पढ़ा था अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज स्टार्टेड विद WH वर्ड। एक शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। ये बात हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक में भी पढ़ी। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन, यानी पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस न रहकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो चेंज हो जाता है असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। लेकिन इन पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ना ही उसका टेंस चेंज होगा। नो टेंस चेंज, नो सेंटेंस चेंज। लेट मी सी एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जैसे हैव यू, हैव यू डन योर होमवर्क। क्या तुम्हारा होमवर्क कर चुके हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एंड इट स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब हैव। किससे स्टार्ट हो रहा है? हैव से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे इन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्टली वही रूल है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस चेंज नहीं करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। इसीलिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में रखते हैं तो हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए रखने के लिए हम लोगों को फर्स्टली वी पुट अप हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को रखना होगा। लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए है? यू के लिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात, द मेन फैक्ट इज यू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्ट पता लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या? तुम्हारा काम पूरा कर चुके हो। क्या पूरा कर चुके हो? तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा गृह कार्य, मतलब तुम्हारा होमवर्क। तो ये सारा जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्या? तुम्हारा होमवर्क, ना कि होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, योर होमवर्क। अब हमें सेंटेंस इंट्रोगेटिव रखना है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हैव एंड डन, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर किसके लिए आया है, यू के लिए आया है, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क। अब योर होमवर्क के सिंगुलर गृह कार्य, तो हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। प्रेजेंट परफेक्ट में वी यूज हैव विद सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट और हैज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। हैज योर होमवर्क, हैज, हैव और हैड के साथ टेंस का टेबल देख लीजिए, वो टेंस के टेबल में हैज, हैव के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, बीन। तो क्या लग जाएगा इधर, हैड, हैज, हैव, इनके साथ क्या लगाया जाता है, बीन। हैज योर होमवर्क बीन बीन डन बाय, और अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा ऐसे। यानी कि सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव, सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहा है पैसिव वॉइस में। अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, फर्स्टली वी राइट डाउन, सबसे पहले हमें लगानी चाहिए, क्या लगानी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, देन और सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस ऐसा है जहाँ पर हम लोगों को दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ा, यहाँ पर भी हैज है और यहाँ पर बीन है, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब का हमको यूज करना पड़ा, तो फर्स्ट, पहले तो हम लोग लगाएंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन द सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हम लोग लगाएंगे द मेन वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय एंड देन डूअर। डूअर का मतलब हमारा क्या है यहाँ पर, ये, अब ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा डूअर का यहाँ क्या है मतलब सब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी डूअर मतलब हमारा सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, डूअर। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू कंस्ट्रक्ट पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को का पैसिव कंस्ट्रक्ट करने का हमारा स्ट्रक्चर ये होता है। इन हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट है, तो फर्स्टली वी पुट अप हेल्पिंग वर्ब, हमको हेल्पिंग वर्ब भी रखना पड़ेगा, इसीलिए हमारा तभी हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एक दो टेंस को लेकर, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का ले लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे एग्जांपल डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो, डू यू लाइक हिम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब डू हेल्पिंग वर्ब है, अब यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब, अब क्या बताए टेबल में, जब डू और डज हो तो इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है। जब एक्टिव वॉइस में डू और डज का यूज होता है, इट मीन्स इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है एज हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं इज आर एम, इज आर एम। तो अब हम ये यू किसके लिए आया है, ये डू किसके लिए आया है, यू के लिए। अब यहाँ पर है हिम, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया, तो ही का और सब्जेक्टिव केस, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। हमें यहाँ पर रखनी है हेल्पिंग वर्ब, और मतलब हम पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार है, बट इन पैसिव वॉइस में हमारी, हमारा सब्जेक्ट ये है और हमारा सब्जेक्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम लोग इज आर एम का यूज करेंगे, बिकॉज ही इज सिंगुलर सो वी यूज इज विद ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, लाइक, देन बाय एंड यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि स्टार्ट किसे होते हैं, स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस का, जैसे आर यू
plucking flowers लगाना पड़ता है इज
why is dance, अब ये ing form है तो क्या लग जाएगा, being, being और third form learn की third form learned, learned by you, ये बन गया ऐसे. Why are you learning dance? तुम dance क्यों सीख रही हो, क्यों सीख रहे हो? अब यहाँ पर कि डांस तुम्हारे द्वारा क्यों सीखा जा रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने पर इसका अर्थ इस तरह से निकलता है. तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि WH वर्ड का जब भी हम लोग क्या करते हैं, पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले वी पुट अप WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस में अनदर हेल्पिंग वर्ब है देन द सेकंड हेल्पिंग वर्ब अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल, एक ये हो गया हैव एंड देन बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को पहली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगानी है. तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, एंड देन वही स्ट्रक्चर रहेगा बाय, देन आवर डूअर, मतलब कि हमारा कर्ता इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लग जाएगा, एंड देन द इंट्रोगेशन मार्क और प्रश्नवाचक चिन्ह. ये है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर टू यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, टू कंस्ट्रक्ट पैसिव वॉइस को बनाने के लिए. अब WH वर्ड की जहाँ बात आती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें, जो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, वो होते हैं हु से शुरू होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, यह कुर्सी कौन तोड़ चुका है, मतलब यह कुर्सी किसने तोड़ी है, क्या तोड़ी है यह कुर्सी, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया. अब आप लोग ये नहीं कि दिस को हटा दो, चेयर कुर्सी तोड़ी, तो क्या का उत्तर कुर्सी है, चेयर है, नहीं, दिस चेयर, यह कुर्सी किसने तोड़ी, पर्टिकुलरली दिस चेयर, ये तो यह कुर्सी किसने तोड़ी. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बाय हूम, क्या लगाते हैं, बाय हूम. अब बाय हूम यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये हु जो है, हु हमारा ऑलरेडी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. Who क्या है? Who is our subject? अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि subject कौन सा है जिसका by plus, तो यहाँ पर who से start होने वाले sentence में by whom का प्रयोग किया जाता है. मतलब क्यों? क्योंकि here who is our subject? Who हमारा subject है? Who हमारा क्या है? Subject है. तो इसीलिए हम लोग by plus doer का प्रयोग, ये है who का objective case लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि whom का प्रयोग हम लोग object के लिए ही तो करते हैं. तो by whom ये WH वर्ड आ गया. फिर हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब ये has तो आया है किसके लिए, who के लिए, सिंगुलर है, किसने तोड़ी. अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर, जो कि क्या बन चुका, सब्जेक्ट. अब हमें यहाँ पर लगानी है हेल्पिंग वर्ब, दिस चेयर इज सिंगुलर है, तो यहाँ पर has दे रखा है, तो has broken, present perfect में, in present perfect tense we use only the two helping verb has and have with plural and has with singular. अब has singular के साथ किया जाता है, तो has यहाँ पर, this chair is singular, so we use has with this chair. By whom has this chair? अब has, have और had के साथ हम लोग एक verb का use करते हैं, been. इस वर्ब का यूज करते हैं बीन, द फर्स्ट फॉर्म, देन सब्जेक्ट, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यूज बिफोर द सब्जेक्ट एंड द सेकंड हेल्पिंग वर्ब यूज आफ्टर द सब्जेक्ट. यानी कि पहली हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, और दूसरे हेल्पिंग वर्ब हम लोग पुट अप करेंगे हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद में. हैज दिस चेयर बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब broken, क्या हो गया, broken by broken,
ये हो गया वाई प्लस होम का प्रयोग तो हमने कर लिया ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से बनेगा, किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा और इसका स्ट्रेच ये बाय हूम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर हू से स्टार्ट करते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड है, उसी डब्ल्यू एच वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कैसे बनेगा, हु हैज दिस चेयर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, हु हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन, बीन ब्रोकन बाय, ये हो गया इस तरह से, हु हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं बाय हूम और इस तरह से भी कर सकते हैं, वही डब्ल्यू एच वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन अनदर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में द मेन वर्ब ऑफ द मेन द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड बाय। तो ये है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाना चाहे तो बाय प्लस हूम, बाय हूम देन हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट then helping verb second and then by and then helping verb and the third form of the verb, ये बनेगा इस तरह से। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं और ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन who का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही होता है। तो ये है हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में भी और पैसिव कंस्ट्रक्शन में भी, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आप मानकर चलिए कि 90% एक सेंटेंस रिपोर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पूछ लिया जाता है। और अब हम लोग करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ चुके हैं, कहने का मतलब है कि हम इसका अर्थ जान चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य, ये है आदेशात्मक वाक्य। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैसे स्टार्ट होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय एक आपसे पूछे जाएंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, दूसरे वो होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे प्लीज या काइंडली से, और एक तरह के सेंटेंस पूछे जाएंगे जो डोंट से यानी कि एक नेगेटिव सेंस में होंगे। इस तरह के सेंटेंस से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज काइंडली ये केवल सेंस को दर्शाते हैं, डोंट भी है, ये नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, किसको दर्शाता है नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। इसको हम अमूमन इसको हम शुरू करते हैं लेट से, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है लेट से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज अ इंपरेटिव सेंटेंस जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड स्टार्टेड विद प्लीज एंड काइंडली जो कि रिक्वेस्ट का भाव देते हैं, स्टार्टेड विद डोंट मतलब कि जो एक नेगेटिव सेंस को रखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स हम लोग कल देखेंगे, साथ में मॉडल के भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर वो सेंटेंस भी देखेंगे। और ये बहुत सारे जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा इन रूल्स के बेस पर। थैंक यू।